हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए सुबह के 6 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट कम है अभी, और मैं अपने कामों में लग गई हूँ जो रूटीन वर्क होता है। जैसा कि सो के उठती हूँ तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा यही सब घर की क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। और घर में सभी कोई सोया हुआ है, सिर्फ मैं उठी हूँ, तो मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लूँगी फिर उन्हें उठाऊँगी। राधे राधे। तो अभी देखिए मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं और मैं भी उठ गई हूँ, और खांसी से ना थोड़ा सा गला जो है वो भारी हो गया है, और सर्दी की वजह से माथे में दर्द ना, इसलिए आँख भी देखिए थोड़ा सा सूजा सूजा लग रहा है ना। तो अभी घर में सबको खांसी है इसलिए गला भी भारी हो गया है। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू लगा लिया है, पोछा भी लगा लिया है, और अभी जा रही हूँ किचन में, चाय वगैरह बना के सबको दूंगी पीने के लिए। और यहाँ पे देखिए बच्चे जो है ना वो सोए हुए हैं, बस इन्हें उठाना है, क्योंकि जल्दी से उठा के नहला दूंगी ना तो मशीन में कपड़े लगा दूंगी, क्योंकि बदरी काफी बदरी आज है हम लोग के यहाँ। बिल्कुल जैसे लग रहा है कि मतलब वो सामने वाला घर तो दिख रहा है, बट दो घर छोड़ के आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि हाँ वहाँ पे घर भी है। तो घर भी है तो इसीलिए मैं जल्दी से सोच रही हूँ कि कपड़े अगर धुल दूंगी ना तो सूख जाएगा, क्योंकि आज संडे है, बच्चों के ड्रेस भी धुलने हैं, क्योंकि कल मंडे हो जाएगा तो बच्चों को जाना होगा। और धुल दूंगी तो सूख जाएगा जल्दी से, क्योंकि थोड़ा धूप तो लगाना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि घर में सूख जाएगा। इसलिए सोच रही हूँ कि जल्दी से, अभी नहीं बच्चों को अभी उठाऊंगी मैं, 8 बजे बच्चों को उठाऊंगी, फिर टाक से पानी गर्म करूंगी और बच्चों को दे दूंगी नहाने के लिए कि वो नहा लेंगे। तो जब कपड़ा धुल के छत पे डाल दूंगी ना तो आधा टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा कि कपड़ा चलो ठीक है कपड़ा चला गया है छत पे सूखेगा, अगर नहीं सूखेगा, हस्बैंड का भी आज जो है वो मुझे धुलना है, और नहीं सूखेगा ना तो जैसे कि कल बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल। तो मैं दिखाना आपको भूल गई, किचन भी देखिए मेरी क्लीन है बिल्कुल। और यहाँ देखिए मैंने सोचा था ना कि संडे को छोले बनाऊंगी, तो ये देखिए मैंने मटर और काबुली चना को जो है वो फुला फूलने के लिए रात को रख दिया था, और ये काफी अच्छा फूल भी गया है। अभी मैं कर लेती हूँ इसे कवर, और अभी मैं बना लेती हूँ चाय। पर आपको एक चीज दिखानी है, दिखा दूँ पहले, फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। यहाँ देखिए कल ना मैं गई थी छवि के स्कूल तक ही गई थी, तो ये मैंने लाया है छवि के लिए स्वेटर, एक मिनट दिखाती हूँ। देखिए ये छवि का स्वेटर, ये इसका स्कूल का ड्रेस है, ये देखिए, क्योंकि अभी जो है ना स्कूल में ड्रेस नहीं आया था तो मैंने ड्रेस नहीं लिया था, और अब जो है आ गया था। अभी तो छवि घर का ही पहन के जा रही थी, जो मतलब मैं छवि को कहीं बाहर लेके जाती हूँ ना वो स्वेटर, तो अभी ड्रेस आ गया था तो मैंने सोचा कि ये ले लूं। मैं ब्लेजर लेने वाली थी पर अभी ब्लेजर नहीं है अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक स्वेटर से ही काम चलाते हैं, क्योंकि ठंड है और स्कूल में ड्रेस पहन के बच्चे जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती है, और अगर ना पहन के जाए तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है। तो बच्चे पूरा ड्रेस में जाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने स्वेटर ले लिया। अब इसे मैं रख देती हूँ, और बस अब मैं चलूँगी चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है, तो बच्चों को जगाना है। छवि 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 उठ जाओ, देखो सुबह हो गया है। फ्रेंड्स रुपेश तो उठ गया है, क्योंकि उसका आदत है सुबेरे उठने का, स्कूल जाता है तो वो 7 बजे के लमसम उठ गया था, पर छवि जो है ना वो नाटक कर रही थी उठने के लिए, तो अभी छवि भी उठ गई है, चली गई है ब्रश करने, दोनों बच्चे छत पे चले गए हैं। और यहाँ पर देखिए अभी मैं बेड को जो है क्लीन कर दूंगी, थोड़ा जो रजाई है ना, हमारे यहाँ ठंड काफ़ी पड़ने लगी है, बच्चों के लिए तो काफ़ी है,
तो वो रजाई ही ओढ़ते हैं, हमारा तो कंबल से ही हो जाता है बट बच्चों को रजाई चाहिए होता है। तो मैं अंदर का बेड शीट सही कर दूंगी, फिर उसके बाद से बाहर का जो है बेड उसे भी मैं क्लीन कर दूंगी। और कॉटन का चद्दर है तो जल्दी ये सब मतलब बिखरता नहीं है, वो सेट ही रहता है, बस हल्का सा बिखरता है तो मैं सही कर देती हूँ। फिर आ गई हूँ, मशीन लगा दूँ जल्दी से, क्योंकि अगर मशीन में वैसे भी 1 से 1.5 घंटा लगता है कपड़े वाश करने में, अगर मैं लेट करूँगी ना तो कपड़े जो है अच्छे से सूखेंगे नहीं, फिर मुझे ही दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चों को कल ही स्कूल जाना है और हस्बैंड का भी ड्रेस था। तो जल्दी जल्दी मैंने मशीन भी लगा दिया और ये देखिए मशीन हो गई स्टार्ट, फिर चलेंगे हम किचन में। और ये देखिए मैंने कट कर लिया है सब्जियाँ, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च और एक छोटा टमाटर था, और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने प्याज कट कर लिया है और गार्निशिंग के लिए धनिया का पत्ता, तो ये मैं पीसने के लिए दे दूँगी। और इधर देखिए तेज़पत्ता लौंग और छोटी इलायची का मैं तड़का लगाती हूँ, तेल गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया है। तो ये देखिए तेल जब गर्म हो जाएगा तो ये सूखे मसाले मैं डाल दूंगी, और आधे चम्मच के लगभग मैं जीरा भी डाल दूंगी इसमें छोले में छोला बनाने के लिए। तो ये देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होगा जब मसाले अपना फ्लेवर छोड़ देंगे ना ऑयल में, तब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। अब प्याज को तब तक भूनूंगी जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और यहाँ गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है सिर्फ कलर के लिए, तीखेपन के लिए तो मैंने हरी मिर्च काफ़ी मात्रा में पीसवाई ही है। तो ये देखिए मसाला तैयार है और इसे मैं अब डाल दूंगी प्याज में, और इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी अच्छी तरीके से। फिर इसमें मैं डालूंगी आधे चम्मच के लगभग हल्दी डालूंगी इसमें, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, और जितना छोले में जितना छोले की क्वांटिटी है ना उस हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है। आपके घर जितना मेम्बर है उस हिसाब से आप छोला बनाते हो तो उस हिसाब से आप नमक को डालिएगा। और यहाँ देखिए भटूरों के लिए मैंने मैदा लिया है, शायद 100 ग्राम मैदा है, और ये है 1/2 किलो आटा है गेहूं का आटा, तो इसे मैं अच्छे से छान लूँगी। फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा 1/2 चम्मच से कम, और ये बेकिंग सोडा है, और फिर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है बड़े चम्मच से, 3 चम्मच मैंने डाला है, और 1 कटोरी जो है वो मैं इसमें दही डालूँगी। और इसे अच्छी तरीके से अब मैं मिक्स कर दूंगी आटे और मैदे और ये जितनी भी सामग्रियाँ मैंने डाली है इसमें, तो इसे अच्छी तरीके से गूँथ के रख दूंगी एक साइड में कि जो आटा है वो सेट होगा जब तक, तब तक मेरा छोला बन जाएगा और मैं नहा के भी आ जाऊंगी, नहाने के बाद ही मैं भटूरा बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए मसाला भी भून के तैयार था तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, और छोला मैंने पहले से ही बॉयल करके रख दिया था तो इसे भी अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और बहुत टेस्टी छोला बना था फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, इतना टेस्टी ये छोला मतलब लगता है, आप ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और यहाँ पे देखिए अभी भी कपड़े वाश ही हो रहे हैं, देखिए अभी 40 मिनट लगेंगे कपड़े वाश होने में, 2 रुपये जाओ, 2 रुपये जा रहा अभी दुकान कुछ लेने के लिए, लो यहाँ पैसा है। और अभी मैं चल रही हूँ किचन में चाय बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड भी जग गए हैं और उन्होंने ब्रश कर लिया, उनको भी चाय चाहिए, तो मैंने चाय जो है वो बिठा दिया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दिख नहीं रहा, यहाँ पे चाय, और यहाँ देखिए छोला जो है वो बन गया है, ये देखिए। छोला भी रेडी है, बस अब मैं गर्मा गर्म भटूरी निकालूंगी और बच्चों को पहले नाश्ता करा दूंगी, क्योंकि टाइम भी हो गया है 10 बज रहा है, और बस फटाफट कर लूं। तो ये देखिए चलिए चाय पीते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स छोले का फाइनल लुक गार्निशिंग के बाद कितना यमी यमी दिख रहा है ना, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है देख के, फिर से जी कर रहा है खा लूं। कपड़े भी वाश हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:15, तो मैं फटाक से सारे कपड़े निकाल लेती हूँ और इन्हें जाऊँगी छत पर सुखा दूंगी, क्योंकि 8:30 तक तो धूप अच्छी नहीं थी बट अभी धूप जो है ना काफ़ी अच्छी निकल गई है। मुझे लग रहा है कि 1 घंटा में मतलब 12-1 बजे तक कपड़े जो है अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। तो ये देखिए पूरा जो है पीछे का जो रस्सी है ना पूरा फुल हो गया है, और अब मैं आगे आ गई हूँ सारा कपड़ा मतलब डालने के लिए। आपको पता ही है फ्रेंड्स ठंडियों में कितना ज़्यादा कपड़ा निकल जाता है, जैसे कि बच्चे इनर पहनते हैं संडे को, ड्रेस कितना हो जाता है बच्चों का है हस्बैंड का है सभी का कपड़ा है, टाई बेल्ट और स्वेटर वगैरह भी है। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और अभी देखिए मैं किचन में आ गई हूँ भटूरा लगाने के लिए। तो मैं कुछ इस तरीके से भटूरे को बेल के, और ये देखिए कितना अच्छा मतलब भटूरा जो है फूल के आ रहा था,
आप देख सकती हो कितना अच्छा आया है। मैं दूसरा भी आपको फुला के दिखाऊंगी। मेरे हाथ का बटूरा फूलता ही है चाहे जैसा भी हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। प्लीज़ फ्रेंड, काफ़ी मेहनत लगती है और दिन भर मैं बहुत थक गई थी इस वीडियो को शूट करने में। और हाफ वीडियो अभी जाएगा, हाफ वीडियो मैं बाद में डालूंगी क्योंकि पूरी दिन का रूटीन रिकॉर्ड करने में फ्रेंड्स बहुत आधे घंटे का रेडी हो रहा था। एडिट करते करते मैंने इसे 11 मिनट 45 सेकंड का एडिट किया है और बाकी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि दो पार्ट में इसे डालूंगी। तो आप प्लीज़ इसे भी वॉच करिएगा और उसे भी वॉच करिएगा प्लीज़ फ्रेंड। और ये देखिए, दूसरा बटूरा भी तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये देखिए, रुपेश की और छवि की थाली लग गई थी, यहाँ मैंने हस्बैंड की थाली लगा दी है। छोला है, बटूरा है, सादा सिंपल राइस है और मिर्चवानी है, प्याज है। तो बस यही आज के लंच में हमारे जो कहते हैं ना ढक्कन, उसे मैंने खुला रखा है क्योंकि अभी जो इसने मतलब वहाँ पे कुछ बन जाता है क्योंकि खुद गर्म पानी करता है ना, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है कि ये थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके लिड को बंद करूंगी। क्योंकि जब मैं वॉशिंग मशीन ली थी ना, तो उन्होंने पहले बताया था कि कपड़े वॉश होने के बाद 15 मिनट तक लिड को खुला रखिएगा। अभी देखिए, वहाँ पे छवि को मैंने लर्न करने के लिए दे दिया है। रुपेश वहाँ पर लर्न कर रहा है। लर्न नहीं करते हैं सब, ऐसे ही मैं दे देती हूँ। देखिए कितना सुनाते हैं सब। और देखिए टाइम कितना हो रहा है, 1 बज रहा है। 1 मिनट देखिए, 1 बज रहा है। और चलिए मैं अपना किचन दिखाती हूँ इस समय मेरा किचन कितना मैसी हुआ है। तो चलिए अभी दिखाती हूँ आपको अपना किचन बैक कैमरे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी भी 1 बज रहा है बट मैं अभी खाली नहीं हुई हूँ। पूरा सिंक फुल है, पूरा किचन कितना मैसी है, सारे बर्तन मुझे खाली करके धुलने हैं। तो आज बिल्कुल आराम नहीं मिला है। किचन साफ करने के बाद मैं कपड़े प्रेस करूँगी। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हाउसवाइफ का वर्क कितना काफ़ी होता है, संडे को तो दुगना तिगुना हो जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।